गरीबों को लुटा हुआ पैसा वापस कर रहा होगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी नेताओं ने सदन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक धीरज साहू कैश कांड को लेकर सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों का कहना है कि धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए बेशुमार नकदी में कई लोगों की हिस्सेदारी है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा का कहना है कि सत्ता पक्ष को ये बताना होगा कि ये पैसा किसका है। इस प्रदेश के गरीबों की लूट की कहीं काली कमाई का हिस्सा तो ये नहीं है? आखिर कौन लोग हैं जिसके घर में नगद अरबों रुपये पकड़ा रहे हैं? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सदन के बाहर और आने वाला सत्र में सदन के अंदर जनता के जो सवाल है, जनता के सवाल को हम सदन के माध्यम से झारखंड को लूटखंड बनाने का, झारखंड को जो लूटखंड बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो काला इतिहास इस लोकतंत्र में लिखा गया है, उसका जवाब सदन के माध्यम से सरकार से हम जानना चाहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि झारखंड को लूटखंड बनाने की साजिश को बीजेपी सफल नहीं होने देगी। ऐसा है, सीबीआई आपकी ईडी तो जांच क्यों नहीं हो रही? देखिए जनरली राज्य सरकार इस सब में मामलों में जो है अपना जो है अनुशंसा भेजती है। राज्य सरकार अगर इसमें पाक साफ है तो उसको आगे बढ़ करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो उनको भी अपने स्तर से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा है आप लोगों ने, वो पूरी तरह से किसी भी कार्रवाई या कोई भी वक्तव्य भी उन लोगों ने इस मामले में नहीं दिया है, इस पर पर्दा डालने का ही प्रयास किया है। तो मेरा ये कहना है इसकी उचित जाँच हो और पता चले कि ये पैसा कहाँ से आया, किसके लिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी 14 दिसंबर को खत्म हो गई है। राजधानी रांची के रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन बांग्ला में आयकर विभाग के कुल 9 दिनों तक छापेमारी की, तो वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर भी तकरीबन 7 दिन से अधिक छापेमारी चली। कई जगहों पर आयकर विभाग ने जियो सर्विलांस की मदद से जमीन के अंदर रकम या आभूषण छुपाए जाने की भी जांच की। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 351 करोड़ रुपए नगद रकम बरामद किए गए हैं, साथ ही 13 किलो सोना के अलावा चल अचल संपत्ति के कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।